राधे राधे, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बूट है। इसको आप जराब भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम बूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस तरह से नीचे से ये तलवा जो हमारा है इस तरह से ये हमारा बना है, यानी कि ऐसे। ये इस तरह से हमारा बूट जो है तैयार है। ये दो तरह से बनता है, एक ये जो हमने बनाया है ये हम नीचे से बनाएंगे, यानी कि जो हमारा तलवा है पैर का वहाँ से हम इसके फंदे डाल के बनाएंगे, और जो दूसरा तरीका होता है वो ऊपर से फंदे डाल के बनता है और नीचे की तरफ बंद होता है। ये दोनों ही तरीके हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो है मैं ये इस तरीके से बनाऊंगी जो तलवे से शुरू होता है। अगले किसी वीडियो में मैं आपको यही बूट दूसरे तरीके से भी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको जो है यहाँ से जब हम फंदे डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा हमें ये 7-8 सिलाइयाँ या 10-12 जो भी हमारी सिलाइयाँ यहाँ तक ही आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसके बाद बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो हमने एक नॉर्मल बनाया है मीडियम साइज़ का कह सकते हो आप इसे, यानी कि 6 नंबर जो पैर होता है उनके हिसाब से ही हमारा बूट तैयार हुआ है। अगर आपको ये बूट ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप उसके फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हो। छोटा बनाना है तो आप कम फंदे डालिए, बड़ा बनाना है तो आप फंदों को ज़्यादा कर सकते हो। तो इस जराब के लिए या बूट के लिए हमें ये दो कलर की ऊन चाहिए। हमने डार्क शेड लिया है क्योंकि जराब जो है जल्दी से गंदी होती है, इसलिए हमने ये डार्क कलर लिया है। ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है ये आप अपनी मनपसंद से कुछ भी और बना सकते हैं, अभी हमने इसमें सिंपल बनाया है। तो चलिए हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है ये देखते हैं। ये आप देखिए मेरे पास कुछ मार्कर हमने रखे हैं, ये मार्कर हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये मैंने रबड़ के छल्ले हैं जो कि आपने देखे होंगे, ये देखिए। अगर आप ये भी नहीं है आपके पास में तो आप इस तरह ऊन को बांधकर इस तरह से आप मार्कर बना सकते हैं, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं आपको आसान से आसान तरीका बनाने की कोशिश करती हूँ, बताऊँ जिससे कि आप आसानी से बिना गलती करे अपना जो है बना सकें। अगर हम बिना ये मार्कर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हमें इसमें फंदे गिनने पड़ेंगे। हर बार गिनने पर फंदे हमारे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी। तो ये मार्कर लगाने से आप बिना गिने फंदे ही इसको जराब को बना सकते हो। तो चलिए हम कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। हमने जैसे कि बताया हम नीचे से इसको शुरू करेंगे। तो ये जो हमारी जराब बनी हुई है 72 फंदे, यानी कि 72 जो है फंदे हमने इसमें डाले हैं। तो हम इस कलर के सबसे पहले 72 फंदे जो हैं डाल लेते हैं। इसे हम 10 नंबर सिलाई पे बना रहे हैं, तो हम सिलाई के अंदर जो है 72 फंदे इस डार्क वाले कलर की ऊन से हम डालेंगे। आपको फंदे डालने आते ही होंगे, अगर नहीं आते हैं तो आप एक बार देखिए कैसे फंदे डालते हैं। एक हम इस तरह से नोट सेंटर में बांध लेते हैं, ये देखिए हमने कुछ ऊन इधर रख लिया है, कुछ ही हमारे गोले वाली साइड की है। इसको हम ऐसे सिलाई में डालेंगे और जिस तरफ हमारी ऊन हमने कम रखी है उस तरफ से हम फंदे डालेंगे। इस तरह से उंगलियों पर ऊन को लपेटना है, सिलाई के अंदर ऐसे डालना है, और इस तरफ के जो ऊन है उसको ऐसे सिलाई के ऊपर से ले जाते हुए इस तरह से पलटना है। ऐसे हमारे जो है फंदे डलते हैं। फंदे डालने के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हम यही सीखते हैं। ऐसे किया और ये डाला और ये, इस तरह से हम जो है सिलाई में 72 फंदे डालेंगे। ये देखिए हमने जो है 72 यानी कि 72 फंदे हमने इसमें डाल लिए। जैसे कि मैंने बताया है ये मीडियम साइज़ है, अगर आपको साइज़ बड़ा करना है तो आप इसमें 82 फंदे डाल सकते हैं, जो कि 7 से 8 तक के पैर के साइज़ में आपको आराम से आ जाएगा। अगर आपको इसे छोटा करना है तो आप इसमें 10 फंदे घटा भी सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर है, आप इसको छोटा बनाएंगे तो फंदे घटा दीजिए, और अगर आपको बड़ा साइज बनाना है तो आप फंदे बढ़ा दीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो मार्कर है हमने ये रबर बैंड लिए हैं, ये 4 रबर बैंड हम अपने पास में इस तरह से रख लेंगे। आप ऊन से अलग कलर से लीजिए जिससे कि आपको ये आसानी से नज़र आ जाए। इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमें बार बार हमसे गलती नहीं होती और ना ही हमें फंदे गिनने का चक्कर रहता है। आप ये
फार्मूला किसी और ड्रेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जो है सबसे पहले जो करना है, हम मार्कर को, आपको मार्कर का यूज़ करना यानी कि हमें किस लिए चाहिए ये बताने से पहले मैं आपको एक सिलाई बिना मार्कर के उतार के दिखाऊंगी। ये हमारी सबसे पहली सिलाई है और हमें इस सिलाई में आप देख सकते हैं उल्टी उल्टी या सीधी उल्टी उल्टी नज़र आ रही है, लेकिन हमने ये सिलाइयाँ सीधी सीधी ली है यानी कि उल्टी और सीधी दोनों एक ही सिलाई यानी कि उल्टी एक तरफ से और दूसरी तरफ दोनों तरफ से हमें सीधी ही सिलाई लेनी है यानी कि हमें इस तरह से ये आप देखिए ऐसे हमने जो है उतारनी है पीछे की तरफ। आगे की तरफ जो होती है हमारी उल्टी सिलाई होती है, ये हमारी सीधी सिलाई होती है। ये हमने एक फंदा ले लिया, इस तरीके से हमें सारे फंदे जो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने एक फंदा उतारा है जैसे कि हमने 72 लिए हैं यानी कि एक फंदा इधर की तरफ और एक फंदा हमारा ये लास्ट की तरफ, यहाँ और यहाँ शुरू और आखिर में हमारे जो है फंदे बढ़ेंगे और सेंटर में भी हमारे फंदे बढ़ेंगे जिसके लिए हमें मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम जो फंदे गिनेंगे ये हमें बार बार गिनने ना पड़े इसलिए हमें मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि ये जो एक फंदा हमने उतारा है इसी से हमें जो है फंदा बढ़ाना है यानी कि इसको साइड से पीछे से ऐसे लेके हम इस तरह का ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बजाय जो नॉर्मल तरीका है फंदे बढ़ाने का वो हम आपको बताएंगे। यानी कि ये हम पहले फंदे को पहले ऐसे उतारा हमने सीधा लिया और ये आ गया और ये पीछे की तरफ से आप देखिए पीछे की तरफ आगे की ये आगे की तरफ है ये पीछे की तरफ है। जो पीछे की तरफ से हमें ऐसे सिलाई लेनी है और इसको हमें दोबारे बुनना है इस तरह। तो ये एक से हमारे दो फंदे बन गए हैं। यहाँ पर हम जो है मार्कर को लगाएंगे इस तरह यानी कि जब हम दोबारे इस सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे तो इस रबड़ के इस तरफ का पहला फंदा है जैसे हमने अभी पहले पे बढ़ाया है फिर हम दूसरे पे बढ़ाएंगे ऐसे यानी कि इस रबड़ के साथ वाला जब भी कोई फंदा आएगा उसको हम बढ़ाएंगे यानी कि इस मार्कर के साथ वाला। अब हम यहाँ से सीधी सिलाइयाँ 34 फंदे हम बुनेंगे। एक फंदा यहाँ एक से हमने दो यहाँ कर लिए लास्ट में भी एक से दो रह जाएंगे कर लेंगे, बीच में हमारे 70 फंदे हैं यानी कि 35 इधर 35 इधर बीच में हमारे फंदे बढ़ेंगे यानी कि हम 34 फंदे लेंगे 35वें फंदे को बढ़ाएंगे और उसके साथ वाले फंदे को बढ़ाएंगे और फिर हम 34 लेंगे और फिर हम यहाँ पर इस फंदे को छोड़ के यहाँ हमें फंदा बढ़ाना है यानी कि एक ही सिलाई में हम दोनों तरफ और बीच में दोनों तरफ यानी कि चार बार हम फंदे बढ़ाएंगे। इसलिए जब हमारी शेप ऐसे आप देखिए ये जराब में ये गोलाई जो आई है ऐसे आएगी और यहाँ से एडी की आप जो गोलाई देख रहे हैं इस तरीके से आएगी। ये हमने यहाँ मार्कर डाल दिया, यहाँ से हम 34 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे यानी कि इस तरह से एक ये देखिए ऐसे किया कि दो तीन चार यानी कि इस तरह से हमें सीधी सीधे 34 फंदे पे जाके हमें मार्कर लगाना है। ये देखिए हमने यहाँ से ये मार्कर के यहाँ से हमने 34 फंदे जो हैं ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा मार्कर इस तरह से लगा देंगे यानी कि इन दोनों मार्कर के बीच में हमारे 34 फंदे हैं यानी कि बार बार हमें हर सिलाई में 34 फंदे गिनने की जरूरत नहीं है, हम सीधे से ही उतार देंगे इसलिए हमने ये मार्कर लगाए हैं यानी कि रबड़ के पीछे की तरफ वाले फंदे पर हमने फंदा बढ़ाना है और इस मार्कर के आगे वाले फंदे पे हमें फंदा बढ़ाना है यानी कि बीच के 34 फंदे हमने नहीं जो छेड़ने इसलिए हमने मार्कर लगाया। इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, अगर ये मार्कर नहीं होगा तो हो सकता है हम आगे पीछे फंदे बढ़ा दें और जैसे डार्क कलर की ऊन होती ब्लैक भी हो सकती है उसमें नज़र नहीं आता। अब हमने ये जो 35वां फंदा है हमारा यानी कि 34 हमने इसमें ले लिए और हाँ जब भी आप बड़ी जराब बनाते हो तो आपको ऐसे बीच में दो फंदे बढ़ाने हैं एक एक किनारे पे, बाकी फंदे जो भी हमारे एक्स्ट्रा बढ़ेंगे
वो इस 34 है, तो ये हमारे 35, 36, 37, 38, 40 जो भी है इसके बीच में ही हमारे फंदे रहेंगे बड़े हुए। बाकी जो हमारा सेम तरीका ऐसे ही चलेगा जैसे अभी सेंटर में और यहाँ पर हमने किया है। तो ये हमारा 35वां फंदा हम बुन रहे हैं, तो इसको ही हम इस तरह से पहले सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुना और फिर इसको सिलाई में से फंदा उतारना नहीं है, पीछे की तरफ से ऐसे जाके हम इस फंदे को दोबारा बुन लेंगे, यानी कि एक से हम इसको दो बना देंगे। ऐसे ही हमारा इधर की तरफ जो 35 फंदे रह गए हैं उसका ये 35वां फंदा हुआ इस तरह से, तो इस पे भी हम ऐसे ही पहले सीधा यानी कि सेंटर के दोनों फंदे हम बढ़ा लेंगे, इधर से सीधा बुना और फिर पीछे से हमने ये बढ़ा दिया, यानी कि दो से हमारे यहाँ मार्कर के बीच में चार फंदे हो गए, दो फंदे से हमारे चार हो गए। अब यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे, तो ये चार फंदे हो गए। जब भी हम फंदे बीच में बढ़ाएंगे तो मार्कर के अंदर वाले यानी कि इस रबड़ के इस तरफ वाला और इस रबड़ के इस तरफ वाले फंदे पे हम फंदे बढ़ाएंगे, तो हमें बीच में बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से फिर से हम 34 फंदे जो है उतार लेंगे सिलाई में। एक, दो, तीन, चार, यानी कि हमें फर्स्ट सिलाई में बस हम गिन रहे हैं, बाकी में हमें गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 34 फंदे यहाँ से हम उतार लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से जैसे 34 फंदे लेने थे, तो अभी हमने जो है 34 फंदे नहीं लिए, सिर्फ 30 फंदे लिए हैं। यहाँ पर हमारे जो हैं आप देख सकते हैं 5 फंदे बच गए हैं। यहाँ पर हमने जो एक फंदा लेके फिर जो बढ़ाया था, यहाँ पर भी हमें एक फंदा इधर रख के अगले फंदे पे हमें बढ़ाना होगा। तो यानी कि हमारे इस तरफ 34 फंदे हैं, तो इस तरफ हमारे 33 फंदे पे हम ये मार्कर लगाएंगे। ये हो गया 31, 32 और ये 33। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर तो मैंने 34 फंदे और इधर 33 पे क्यों, वो इसलिए कि जो हमारा मार्कर है उसके इस तरफ फंदे बढ़े और इधर मार्कर के इस तरफ। अगर हम यहाँ पर 34 के बाद हम मार्कर लगाएंगे तो हमारे मार्कर के अंदर की तरफ फंदे बढ़ेंगे, यानी कि जो 34 फंदे हमारे होंगे ये बढ़ते जाएंगे और इधर हमारा एक ही फंदा रहेगा। हमें शो करना है कि हमारे फंदे इस तरफ बढ़े, तो ये हमने 33 पे ये मार्कर लगा दिया है और इस फंदे पे हम 34वें फंदे पे हम जो है फंदा बढ़ाएंगे। जब हम दोनों तरफ फंदे बढ़ाते हैं, आपने देखा होगा कि हम मुड्ढे उड्ढे में हमेशा एक सिलाई पे इधर फंदे बढ़ाते हैं तो दूसरी पे इधर बढ़ाते हैं, लेकिन हमें एक ही सिलाई पे दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। तो हमने पहले फंदा बुना था फिर बढ़ाया था, तो उस लिए हम यहाँ पर पहला फंदा छोड़ देंगे, उससे अगले फंदे पे हम ये फंदा बढ़ाएंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हमने ये मार्कर लगा दिया है और ये हमने सीधा फंदा बुना और उसी फंदे को इस तरह घुमा के पीछे से हम ऐसे ले गए और हमने ये फंदा जो है बढ़ा दिया, यानी कि हमारा एक से दो फंदे होगा ये तीसरा, यानी कि इसको हम ऐसे लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो आप देखेंगे कि इस मार्कर की तरफ इस तरफ फंदे बढ़े हैं और हमारे इस मार्कर पर इस तरफ फंदे बढ़ेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पर दो फंदे बचे हैं। ये देखिए मार्कर के इस तरफ हमारे दो फंदे हैं जो कि एक से दो बढ़ाए थे और इधर हमारे तीन फंदे हैं, यानी कि जब हम दूसरी सिलाई में यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे तो हम तीसरी सिलाई पे मतलब सॉरी तीसरी ये दो हैं तो एक और दो दूसरे फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे तो हमारे तीन हो जाएंगे। जब हमारे यहाँ तीन होंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ हमारे चार होंगे, क्योंकि हमारे बीच में 34 फंदे चलते रहेंगे और मार्कर के इस तरफ और मार्कर के उस तरफ हमारे फंदे बढ़ेंगे और बीच में मार्कर के ये दोनों मार्करों के अंदर के फंदों में हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो हमें बार बार अब फंदे जो है गिनने की ज़रूरत नहीं है। और जो अब हमारी दूसरी सिलाई है इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसको हमने सीधे सीधे उतारना, इसमें कोई फंदा हमें बढ़ाना घटाना
नहीं है। पहला फंदा जो है हम बिना बुना लेंगे, यानी कि इस तरह उतार लेंगे, और दूसरा हम फंदे से जो है बुनना शुरू करेंगे। आपने इस चीज़ में एक ध्यान रखना है, जैसे हमने ये सीधे फंदे बुने, ये तीन फंदे हमने बुने, तो हमारा मार्कर आ गया। इस मार्कर को हमें सिलाई में इस तरीके से ले लेना है, इसको साथ साथ ले लेना है, लेकिन इसको पीछे की तरफ नहीं करना, नहीं तो ये हमारा जो ऐसे जैसे अभी हमने उतार लिया, ऐसे न उतर के ये पीछे की तरफ से ऐसे कर देंगे तो ये हमारा सिलाई के बीच में आ जाएगा। इसलिए हम इसको हमें आगे की तरफ करना है और हमें सारे फंदे इस तरह बुनने हैं, यानी कि पूरी सिलाई हमारी, कहीं हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मार्कर को हमें सिलाई में उतारना है और सीधे सीधे फंदे हमने बुनने हैं। यानी कि हमें पहली सिलाई पे फंदा बढ़ाया, दूसरी हमने बिल्कुल प्लेन बुन लिए, सारे फंदे सीधे उतार लिए, तीसरी सिलाई आएगी फिर हम फंदे बढ़ाएंगे, चौथी फिर हम ऐसे उतार लेंगे, यानी कि हमें जो है एक सिलाई छोड़कर दूसरी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। यानी कि जहाँ से हमने फंदे डाले थे, ये आप ऊन जो हमारी बच जाती है साइड में जब शुरू होगी, वहाँ से हमें फंदे जो है बढ़ाने होंगे। अगर हमें प्लेन उतारने तो यहाँ हमारी ऊन दिखाई नहीं देती, ये आप पहचान रखोगे तो आपको कभी काम करने के लिए किसी तरह बीच में ये सिलाई रोक देते हैं तो हमें ये पता रहेगा कि हाँ ये हमारी सिलाई फंदे बढ़ाने वाली है या प्लेन उतारने वाली है। यानी कि जहाँ से हम फंदे, ये ऊन हमारी बचती है, ये हमारी बढ़ाने वाली सिलाई है, यानी कि इस सिलाई पे हमारे फंदे बढ़ेंगे और यहाँ पर ऊन नहीं दिखाई दे रही है तो ये हमें प्लेन बनानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये हमारे को काफ़ी सहायता करती है हमारे काम में। जैसे कि अब हमें पता है कि ये सिलाई हमें सीधी सीधी बुननी है, यहाँ कोई फंदा हमें बढ़ाना नहीं है। अगर हमें बढ़ाना होता तो हमारी यहाँ पर ऊन बची हुई दिखाई देती। तो ये हम पूरी सिलाई ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए हम फिर बीच में आ गए जहाँ पर हमारे मार्कर लगे हैं। ये हमने 34वां फंदा जो है सीधा बुन लिया है और फिर हमें मार्कर इस तरह से हमें ऐसे सिलाई में ले लेना है और आगे की तरफ गिरा के फिर हमें इस तरह के बाकी के फंदे पीछे से बुन लेने हैं। ये हमने चार फंदे बुन लिए, बीच के जो हमारे दो से बढ़ाए थे हमने। और फिर हमें मार्कर को ऐसे सिलाई में ले लेना है और आगे की तरफ रखना है, यानी कि हमारी निशानी है कि हमें कहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। ऐसे हमने ले लिया, यानी कि इस मार्कर के दोनों के किनारे के फंदे पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। और ये पूरी सिलाई हमारी इस तरह से सीधी सीधी उतरेगी, जैसे मैंने बताया कि दूसरी सिलाई में हमें कुछ नहीं बढ़ाना घटाना। दूसरी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई है, हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं मार्कर के इस तरफ मेरे दो फंदे हैं। आप हमने पहले फंदे पे, जब पहली सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए थे, जब पहला फंदा बुना था उसी से हमने दो बनाए थे, ये हमारे वो दो फंदे हैं। अब हम पहला फंदा जो है बिना बुना लेंगे, यानी कि इसको ऐसे ही उतार लेंगे, और जो दूसरा फंदा है इस पे हम फंदा बढ़ाएंगे जैसे कि हमने पहले बढ़ाया था। पहले इसको हम सीधा बुनेंगे ऐसे, और फिर हम पीछे की तरफ से इस तरह दोबारा इसको बुन लेंगे। ये हमारे दो से तीन फंदे हो गए हैं। आप देख रहे होंगे ऊन जो हमारी बची हुई थी, हमने जो फंदे डालते टाइम बचती हमारी ऊन, ये वो ऊन है। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये हमारी तीसरी सिलाई है जहाँ हमें फंदे बढ़ाने हैं, और फिर पाँचवीं सातवीं इस तरह से हमारे फंदे बढ़ेंगे। और ये मार्कर आ गया, इसको हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे और 34 फंदे फिर से हम बुन लेंगे। अब हमें फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पता है हमारा 34वें फंदे पे मार्कर लगा हुआ है, तो ये हम आराम से अपना सीधे सीधे फंदे बुनेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ हमने 34 लिए हैं तो इन दोनों मार्कर के बीच में हमारे 33 फंदे, यानी कि हमारा एक फंदा कम है। जब भी आप फंदे बढ़ाओगे जराब में 80-85 जो भी आप रखते हो, और इन दोनों फंदों में, यानी कि यहाँ से एक फंदा आपको यहाँ मार्कर के बीच में रखना है, फंदे उतने ही होंगे। देखिए आप यहाँ तीन फंदे हैं जबकि यहाँ दो फंदे थे, तो फंदे हमारे दोनों तरफ बराबर हैं। तो ये हमें सिलाई जो है, अब हमें सीधे सीधे फंदे अपने मार्कर तक जो है बुनने हैं।
ये देखिए हमारा दूसरा मार्कर भी आ गया है, यानी कि हमारे 34 फंदे बुन लिए हमने। और इस मार्कर को हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे, यानी कि इस मार्कर को हमने सिलाई में लेने के बाद पहले ही फंदे पे, यानी कि मार्कर उतारने के पहले ही फंदे पे हम फंदा बढ़ा देंगे, जैसे कि हमने बढ़ाया पहले एक से दो, इस तरह से एक लिया और फिर हमने पीछे से इसको इस तरह बढ़ा लिया और फिर हम ये फंदे बुन लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फंदे हमने बुन लिए, फिर ये मार्कर के साथ वाला जो फंदा है इसमें हमें फंदा बढ़ा देना है। ये हमने फिर फंदा बढ़ा दिया, आप समझ गए होंगे, ये फिर हमने मार्कर उतार लिया, यानी कि मार्कर के साथ वाला जो फंदा है उस पर ही हमें फंदा बढ़ाना है, यानी कि एक सिलाई छोड़कर, यानी कि हम तीसरी सिलाई पे बढ़ा रहे हैं, फिर अब हम अगली पांचवी सिलाई पे बढ़ाएंगे, जो चौथी सिलाई हमारी सीधी सीधी पूरी उतरेगी। फिर हम ये अपने 33 फंदे थे हमारे इस तरफ, तो ये उतार लेंगे हम अपने मार्कर तक, ये उतार के, और फिर हम मार्कर के ये सात वाला फंदा है जो हमारा इधर वाला, यानी कि ये हम सारे उतार लेंगे, इधर वाला जो फंदा है मार्कर के इस तरफ वाला, इस पर हम फंदा बढ़ाएंगे और फिर हमारी चौथी सिलाई जो है पूरी सीधी सीधी, उसमें कोई बढ़ाना घटाना नहीं, फिर पांचवी में बढ़ाएंगे हम। इस तरह से हम 6 बार फंदे बढ़ाएंगे, यानी कि हमारे जो हैं एक फंदा था यहाँ पर उससे 3 बन गए, तो यानी कि ये हमारे 7 फंदे हो जाने चाहिए जब तक हमें ये सिलाइयाँ बढ़ानी हैं। ये देखिए हमने मार्कर के इस तरफ फंदा बढ़ा दिया, तो यहाँ हमारे जो है मार्कर के इस तरफ 4 फंदे हो गए हैं, पहले 3 थे अब 4 हो गए हैं। इस तरह से अब हम पूरी सिलाई जो चौथी सिलाई है उस पर कुछ बढ़ाना नहीं है, हम उसे सीधा सीधा उतारेंगे और जब तक कि ये फंदे हमारे इधर 8 हो जाएंगे और इधर हमारे 7 हो जाएंगे, यानी कि हमें जो आप ये देखेंगे जनाब, ये गोलाई देखिए, आपको अलग से एक वी शेप दिखाई दे रही होगी, ये हमारे बड़े हुए सेंटर के फंदे हैं, ये 12 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों तरफ आप देख रहे होंगे एडी के यहाँ पर भी वी बना हुआ है, यानी कि हमारे दोनों तरफ हमारे 6 फंदे बढ़ जाएंगे अभी, यानी कि हमारे को 6 सिलाइयाँ ये जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये हमारी 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ हैं, यानी कि 12 सिलाइयाँ, हम 12 सिलाइयों पे 6 फंदे बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि एक सिलाई पे बढ़ाना है एक पे नहीं बढ़ाना, तो हम ये इतनी सिलाइयाँ जो हैं हर सिलाई पे, यानी कि फिर से आप नोट कीजिए, हमने पहली पे बढ़ाया, दूसरी पे नहीं बढ़ाया, तीसरी पे बढ़ाया, अभी चौथी पे नहीं बढ़ाएंगे, फिर पांचवी पे बढ़ाएंगे, छठी पे नहीं बढ़ाएंगे, सातवीं पे बढ़ाएंगे, आठवीं पे नहीं बढ़ाएंगे, और फिर हम नौवीं पे जो है फंदे बढ़ाएंगे, यानी कि ऐसे हमारा पैर का जो नीचे का तलवा तैयार होएगा। चलिए हम इतनी सिलाई बनाते हैं। ये देखिए हमारी चौथी सिलाई है जिसको हम इस तरह से सीधा सीधा बना रहे हैं, देखिए अब ये मार्कर आ गया, हमने मार्कर को ऐसे उतारा और ये तीनों फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये हमारी जो है चौथी सिलाई पूरी हो गई है। मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ, ये देखिए हमारे अभी आपने देखा होगा यहाँ ये 2 ऊन दिखाई देती है, यानी कि इस ये हमारा एक निशानी सोच लो है कि यहाँ से हमें फंदे जो है बढ़ाने हैं। तो अब हम पहले हमने एक फंदे पे बढ़ाया था जैसे मैंने पहले बताया, फिर हमने दूसरे फंदे पे बढ़ाया था, अब हम तीसरे फंदे पे बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, ये 2 फंदे हो गए हमारे, ये पहला बिना बुना लिया हमने, ये दूसरा बुन लिया और ये तीसरे फंदे पे हम जो है फंदा बढ़ाएंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई है, ये हमने ऐसे बनाया और पीछे से इस तरह से, ये देखिए पीछे से ऐसे सिलाई ये है, पीछे इधर से हमने उसी फंदे को पीछे की तरफ से लिया और ये बुना लिया। अब मार्कर हमने उतार लिया,
आपने फिर देखिए आपको समझ में आ गया होगा, इस मार्कर के साथ वाले फंदे से हमने फंदा बढ़ाया है, बाकी हम फंदे जो हैं सीधे बुन लेंगे। ये मैंने आपको एक बार और रिपीट कर दिया है। आप जब अब अगली बार जैसे अब हमने पाँचवीं पे बढ़ाया, पहले जैसे मैंने बता दिया है छठी पे नहीं बढ़ाएंगे, फिर सातवीं पे बढ़ाएंगे, यानी कि ये फंदे हमारे आप देखेंगे चार फंदे हो गए हैं। जब ये फंदे हमारे इधर के छह फंदे हो जाएंगे, उसके बाद हमारे जो है फंदे बढ़ाने बंद हो जाएंगे। तो अब हमें आपको समझ में आ गया होगा कि छह फंदे तक हम फिलहाल सिलाइयाँ बुनते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। ये देखिए हम फिर से बीच में आ गए। मैं एक बार फिर आपको बीच का भी एक बार फिर बता देती हूँ। ये हमने इस मार्कर से यानी कि शुरू के मार्कर से इस मार्कर तक हमने सारे फंदे जो हैं सीधे बुने हैं। अब ये जो सेंटर इस मार्कर को हमने ऐसे उतार लिया, यानी कि ये दोनों सेंटर के जो हमारे मार्कर हैं इनके साथ साथ वाले फंदे यानी कि बीच के फंदों में हमें नहीं बनाना, इस मार्कर के साथ वाला फंदे में हमें फंदा बढ़ाना है और इस मार्कर के साथ वाला यानी कि इसके मार्कर के साथ वाला हमारा ये फंदा है, इसको बुना और इसी को पीछे की तरफ से ऐसे हमने बढ़ा लिया और फिर बीच के फंदे सीधे सीधे बुन लिए। ये हमने बीच के फंदे सीधे बुने और फिर ये देखिए अलग से दिख रहा है मार्कर के साथ वाला, इसको हमने एक का दो कर लिया यानी कि ऐसे सीधा बुना और फिर पीछे से ये ऐसे बढ़ा लिया, फिर से हमने मार्कर को ऐसे डाला और फिर से इस मार्कर से लास्ट वाले मार्कर तक हमें जो है फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। और जब हम यहाँ आ जाएंगे तो इस मार्कर के इस तरफ वाले फंदे में हमें ये देखिए मार्कर है इसके साथ वाला यानी कि इधर की तरफ अंदर की तरफ से हमें बिल्कुल नहीं, यानी कि जो ज़्यादा फंदे हमारे मार्कर के बीच में इसमें तो हमें फंदे बढ़ाने ही नहीं है, यानी कि इस मार्कर के इधर वाले फंदे पे और बीच के दोनों किनारों के मार्कर पे और ये इस मार्कर के साथ वाले में हमें फंदे बढ़ाने, बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी सिलाई जैसे मैंने बताया उस पर नहीं हमें फंदे बढ़ाने, ये हमारी पाँचवीं सिलाई थी। और इसी तरह हमने जैसे बताया यहाँ पर जब छह फंदे रह जाएंगे जब तक हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए हम नौवीं सिलाई पे आ गए हैं। आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच, यानी कि हमारे यहाँ पर पाँच फंदे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था यहाँ पर जब छह फंदे रह जाएंगे हो जाएंगे यानी कि अभी हम नौवीं पे बढ़ाएंगे तो ये पाँच से छः फंदे हो जाएंगे, तो उसके बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। उसके बाद हम तीन सिलाइयाँ जो है सीधी सीधी बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी हमारी छः ये जो लाइनें नहीं बनी है, एक दो तीन और ये चार, इसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे और उसके बाद यानी कि हमारी टोटल अभी चार सिलाइयाँ बाकी हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ छः फंदे होने चाहिए। अगर आपका पैर का तलवा यानी कि ये बूट जो है इतना हमारा जो है खिंच के ऐसे हो जाएगा, अगर आपकी ये जो पैर का तलवा चौड़ा है ज़्यादा और भारी है आपका पैर, तो आप 11वीं सिलाई तक फंदे बढ़ा सकते हैं और ये सिलाई जैसे छः हैं तो आप 8 तक जो है सिलाइयाँ बना सकते हैं। ये हम 9वीं सिलाई पर अब देखो फंदे, जैसे हमने हमेशा पहला फंदा बिना बुना लिया है, मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ जिससे आपको गलती ना हो। ये हमने चार फंदे बुने और पांचवें से हमें जो है एक के दो करने, यानी कि एक और ये पीछे से बुना, ये हमारे छह फंदे हो गए। ये हमने मार्कर को ऐसे लिया और आगे भी हमें जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए हमने जो है आप एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि हमारी छः सिलाइयाँ सॉरी ये लाइनें हो गई हैं। हमने जो है नौवीं सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे उसके बाद फंदे नहीं बढ़ाए हैं। हमने दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं जो सिलाई है बिना फंदे बढ़ाए बनाई है, लेकिन ये मार्कर हमने जो है अभी इसी सिलाई में रहने दिए। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे छः ही फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि मैंने इसके बाद फंदे नहीं बढ़ाए हैं। अगर आपको बढ़ाने हैं जैसे मैंने पहले भी बोला है आपका पैर भारी है या चौड़ा है तो आप 11वीं सिलाई पे भी फंदे बढ़ा सकते हैं आप। और ये जो सिलाइयाँ छः लाइनें हैं ये आप एक लाइन एक्स्ट्रा बना सकते हैं, यानी कि ये सिलाइयाँ 12 हैं। अभी मेरी 13वीं सिलाई है जिसमें मैं कलर चेंज करूँगी और आप अगर
ये जो चौड़ाई आपको बढ़ानी है तो आप 14वीं मतलब कि सॉरी 16वीं सिलाई पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक मीडियम साइज की जुराब है, इसलिए मैं इसको, ये 13वीं सिलाई आ गई हमारी, अब हम ये जो कलर है अपना इस पर चेंज करेंगे। ये हम ऐसे इसको बांध देंगे यहाँ से, और जैसे कि आपने इस जुराब में देखा है हम ये सिंपल सा डिज़ाइन डाल रहे हैं, आप अपनी मनपसंद सुंदर और अच्छा डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब हम दो सिलाइयाँ जो है येलो कलर की बनाएंगे, जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे, प्लेन बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। इसमें हम कलर चेंज कर रहे हैं इसलिए पहला फंदा जो हम बुन लेंगे, ये हमने बुन लिया और ये सीधी सीधी हमारी जो है सिलाइयाँ चलेंगी। ये देखिए अब हम मार्कर को निकाल देंगे, ये हमने निकाल दिया। अभी क्योंकि हम फंदे बढ़ा नहीं रहे हमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो 9वीं सिलाई पर ही इस मार्कर को निकाल सकते हैं। हम ऐसे जो है पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे,